बिस्मिल्लाम दोस्तों साथियों डॉक्टर शिविर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम वॉइस में आप सबको वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंडन जनाब आज मेरे मेहमान हैं जनाब आब्बास भट्ट साहब जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं कई बत ला चुके हैं और खुलकर बात करते हैं आब्बास भट साहब वेलकम टू माई शो डॉक्टर hey, दूसरे गेस्ट हैं जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब जिनका तलक कश्मीर यानी के पी के से है कश्मीर पार्टी जम्मू फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेजिडेंट है लेकिन कश्मीर पर भी उनको काफ़ी बुरा असर है लेकिन तलक उनका पाकिस्तान से है के, के पी के से और बहुत से मामला में उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है प्रोफेसर साहब वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया अच्छा सबसे पहले प्राचा साहब आपसे बात करते हैं आपके स्मार्ट वजीर अजम वो जा रहे हैं चाइना में इस बारे में बात हो चुकी है पहले भी और आपने सुना होगा भी मुख्तलिफ़ आज कल डिबेट यही हो रही है कि सी पैक को पता नहीं क्या कर देंगे सेकेंड फेज आ गया है और ये बड़ी मुनाफा बख्श स्कीम है ठीक है जैसे नहीं आमतौर पर बसों में लोग चढ़ते हैं तो आपको कहते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है इस तरीके से हो रहा है तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो जा रहे हैं तो एजेंडा इनका क्या होगा क्या इन्हें लेने की तो वो को रखते हैं और वापस लेकर क्या आएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर साहब जैसे पहले हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी कि एजेंडा तो जो आपने पूछा है एजेंडा तो तब होता है डॉक्टर साहब कि दोनों तरफें किसी सिलसिले में कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो और वो कोई बातचीत करना चाहें और उसके लिए वो माहौल बनाते हैं और सेटिंग जबकि इस मामले में तो कोई एजेंडा तो कुछ मुझे नजर इसलिए नहीं आता कि इमरान खान को तो कोई इनविटेशन नहीं आई चाइना चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आए और हम इस पर बात करते हैं तो ये तो ये अपने तौर जा रहे हैं कोई दावतनामा स्टेट, स्टेट नहीं आया ये स्टेट विजिट नहीं आया ये स्टेट विजिट नहीं है लेकिन इसको पोज ऐसे किया जा रहा है कोई स्टेट विजिट हो और पाकिस्तानी मतलब की मीडिया में और इस तरह से लेकिन वो तो दरअसल विंटर ओलंपिक जो हो रहे हैं सरमाई ओलंपिक जिसको कहते हैं तो वो उस सिलसिले में जा रहे हैं वहां पे वो उसमें शिरकत करेंगे आपको याद होगा पाकिस्तान में भी पुरानी बात है हक जब इंडिया ने उसको बुलाया भी नहीं था लेकिन वो एक एक तर, तरफ तक तरफा तौर तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम देखे तो वो क्रिकेट मैच देखने चला गया था उन्होंने कहा जी मेरे मैच देखना है तो हाँ जी तो ये देखिए डॉक्टर साहब ये तो इस तरह से नहीं होता बराबरी के जब आप कोई मामला किसी मुल्क के साथ करते हैं तो बराबरी की सतह पे करते हैं

एनालिस्ट ने ये कहा है कि बेसिकली इसलिए भी बुलाया गया है कि क्योंकि 1992 का जो वर्ल्ड कप है उन्होंने जीता था अगर जीता होता तो शायद ना बुलाते और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यानी इसकी जो ओलंपिक्स जो हो रही हैं इसकी इसको बाय किया गया बहुत से ममालक ने तो उन्हें कुछ ना कुछ लोगों की जरूरत थी और खासतौर पर स्मार्ट आदमी को जरूरत थी तो उन्होंने इसलिए बुला लिया तो इसमें भी कुछ जान है नहीं जो आपने सी पैक के हवाले से बात की ना तो सी बनाने का नहीं है इस या, कोई दावत नहीं दी कोई बातचीत हाँ ये है कि अब ये कुछ ऐसा वहां पे स्टार्ट लेंगे वो तो दोनों तरफ इनको पता होता है ये तो मतलब कि बार्गेनिंग होती है ना गिव एंड टेक वाला चक्कर होता है तो हर कोई अपना जिसको कहते हैं ना कि बार तो नाप वगैरह इस किस्म की यानी जिसको लेटमे टेस्ट करते हैं एक दूसरे का तो अब ये है कि इसको बुलाया नहीं गया लेकिन अगर बात होगी सी पैक पे बात अगर हुई लॉबिंग लौ, लौ, वगैरह से तो मैंने जैसे पिछली बार भी आपको कहा था कि चाइनीज के दो बड़े कंसर्न जो होंगे वो इनको वो इनके आगे रखेंगे एक है कि इनकी सिक्योरिटी चाइनीज की जान माल की हिफाजत और दूसरा होगा करप्शन सीपेक में करप्शन हो रही है सीपेक प्रोजेक्ट में करप्शन हो रही है और उसमें चाइना को भी इन्वाल्व किया जा रहा है बीच में तो उस पर बातचीत होनी है और दोनों मामला में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई तसली बख्श उनको जवाब दे पाएगा कि हाँ जी हम आपकी जान क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो आजकल माहौल गर्म हुआ हुआ है दहशत गर्दी की जो लहर चली है तो खुद पाकिस्तानियों को बल्कि सिक्योरिटी इदारों की जानों वालों को जान को तहफ नहीं है वहां पे सिक्योरिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान इसको कैसे वहां पे डिस्कस कर पाएगा या डिफेंड कर पाएगा कि नहीं आपकी जान की तहफ होगा वहां पे और ये होगा ठीक है और करप्शन का जो मामला है वो तो आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अभी देख लें कि पाकिस्तान मजदीद नीचे गिर गया करप्शन में इस गवर्नमेंट में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं तो दोनों जवाब उनके गैर तसली बख्श होंगे अगर चाइनीज ने ये दो बातें टेबल की कि आप हमें करप्शन पे तसली दें और आप हमारी जान की हिफाजत तो उनके पास क्या जवाब होगा इसका ना उनके मुझे नहीं पता उनके पास ये नहीं कहा कि मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने खुद कहा यार करें उन्होंने खुद कहा था कि करप्शन <laughs> हो रही है और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि चाइना के जो फर्म है फर्म है वो भी इन्वॉल्व हैं ठीक है इस तरह तक सुना है कि बातें की गई तो उन्होंने कहा था भी ये इनका एक वजीर कह रहा है ठीक है ना

अच्छा एक तो यह नहीं कि आपके जो यानी आपके तो नहीं आपके पड़ोसी मुल्क के जो स्मार्ट वजी अजम है उन्होंने कहा जी मैंने एक बात ये भी किया जिसमें मस्किनी का ना, कि ये बड़े न खान हर बाद में कहते हैं कि मैंने अमरीका अमरीकी से ज्यादा मैं अमरीका की तारीख जानता हूँ फलाम मुल्क से ज्यादा मैं जानता हूँ कि उनके मामला क्या है तो उन्होंने कहा जी मैंने वो तो सब कुछ देखा है लेकिन जो विंटर ओलंपिक ये नहीं देखे तो उन्होंने कहा ये भी कहने वाले कहते हैं कि

बाकी जी मैं जनाब मैं प्राधा साहब की बातों बहुत सी बातों से कंट्राडिक्शन है मेरी अच्छा डिस्कशन के के लिए है लेकिन मेरा अपना खान को ऑफिशियली इनवाइट किया गया चाइना के दौरे के लिए यानी वो विंटर ओलंपिक्स के लिए उन्हें इनवाइट किया गया, से। गया, 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 गया इसी तरह बिल्कुल नहीं है

और तो इसको कुछ देनी तो आज बनी इसका ठीक ना हो लेकिन ओलंपिक्स उले, यानी जहाँ एथलीट्स का या गेम्स का तल्ला है ये स्पोर्ट्समैन तो है या स्पोर्ट्समैन था और वर्ल्ड कप का आपने जिक्र किया उस हवाले से भी कुछ था स्पोर्ट्स मैन तो लिहाजा स्पोर्ट्स के सिलसिले में इससे बेहतर शायद और कोई आदमी उन्हें नजर ही ना आता हो इस वक्त इसलिए इसको बुलाया गया वहां पर और फिर जब कोई भी स्टेट किसी मुल्क में दूसरे मुल्क में जाता है तो उसमें फिर एक के अलावा बहुत सी बातें भी की जा सकती हैं शायद उन्होंने खुद ही इजहार किया हो क्योंकि इस वक्त जो अस, असल मसला जो है उनके तरफ जो है ना ये जिसको कहते हैं ना आप सी पैक का मसला सी पैक के मसले में, में मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के अलावा गल कुछ और भी प्राण साहब ने कहा था, था एक तो जान की उनकी हिफाजत थी ना प्रप्ष्य। एक करप्शन का था जहां तक जान के हिफाजत का तल्लक है उसका मसला हल किया जा सकता है चाइनीज खुद कि हम अपनी जान के हिफाजत आप खुद करेंगे उस इलाके में आप आप आर्मी या सिक्योरिटी अपनी या पुलिस अपनी के ले लो हम अपनी सिक्योरिटी अपनी पुलिस लेके जाएंगे इसलिए आएंगे तो ये मसला ईजी है तो इतना बड़ा मुश्किल मसला नहीं है जहां तक तलक है करप्शन का तो ये जब से ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ ज्यादा तलक पैदा किए हैं ना चाइनीज जो है वो पाकिस्तानियों से ज्यादा करप्ट हो गए हैं

तो वो साहब यहाँ आए वैसे में जब से ये इधर आए हैं ना वो बकायदा ट्रेंड किसको कहते हैं ना वो हो गई ये न की हिफाजत का भी नहीं है बाकी मसला करप्शन वगैरह का ये वही सी पै है जिसके मतलब गेम चेंजर का कहा जा रहा था ठीक है इस वक्त अगर चाइनी की जगह मैं हूं तो मैं कहूंगा एक चीज की घंटी मालूम कि अभी उसको गेम चेंजर आप कहा कल इसको उठा के खोटे में नहीं डाल देंगे सी पैक को मुकम्मल मुकम्मल होने तक ये हमारे पास रहेगा हम इसे करेंगे तो उसके बाद सारा मसला हो मेरे ख्याल में ये मेजर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए चाइना वालों की लेकिन वो सैनी कौम है वो आधार तो देते हैं लेकिन आधार के लिए अपने खाल भी दूसरे की खाल भी उतार लेते हैं वो वसूल करने के लिए इसलिए ये कोई इतना बड़ा मसला उसका नहीं है तो बहुत सी बातें होंगी सर लेकिन सर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है ना जो उन्हें जा रही है वो आम अफवाह भी है किसी वजीर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा है उन्होंने दबे दबे अल्फाज में कि तीन बिलियन यूएस डॉलर का वो लोन भी ये मांगने जा रहे हैं उनसे ताकि ये अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सके को बेहतर होने से रही ना लेकिन मेरे ख्याल में वो तीन बिलियन जो है ना वो इलेक्शन कंपेन नहीं डायरेक्टली किसी को देना है लेकिन ये तीन बिलियन अगर आपके पास यूएस डॉलर हो तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बेहतर हो सकता है थोड़ा सा उसके अलावा आप वादे भी कर सकते हैं फिलान सड़क देंगे फला स्कूल देंगे फिलहाल कॉलेज देंगे वहाँ अस्पताल बनाएंगे ये करेंगे वो करेंगे तो आखिरी साल लगा के शायद वो ए, इस पोजिशन में जाना चाहते हैं कि भाई कल इलेक्शन में हमें लोग वोट डाल सके जो आज की पोजिशन है इमरान खान की उसको तो, तो मेरे ख्याल उनकी अपनी बाजी भी वोट नहीं डालेंगे जो वो, सिलाई मशीन चलाती थी सिलाई मशीन वाली बाजी जो है ना वो बाजी वो बाजी नहीं वोट डालेगी इसलिए को पता है भाई नलायक का तो क्या हुआ है like. तो नायक तो मुल को मजीद तबाही कर तबाही से बचाने का एक ही तरीका है कि इसे एक तरफ खुडे लगा दिया जाए लेकिन बाज का तो आप, आपको खुद भी पता है डॉक्टर साहब आपको तो, तो पर्सनली तजर्बा है इस चीज का कि बहुत से इनके जो है ना यूठी जिनको कहते हैं ये टर्म आई से आते गलत तो नहीं टर्म ये मैं वैसे दोहरा रहा हूँ लेकिन जो कहते हैं तो इसके जो स्पोर्टर है वो आज भी इसकी हर गलती पर जो है ना लब आ रहे हैं पीछे पीछे भाग रहे हैं लेकिन के जो पाकिस्तानी है वो कम कम उसको वोट कभी नहीं देंगे लेकिन अगर एक सालों में ये तीन बिलियन डॉलर डॉलर यूएस पाकिस्तान में खर्च करे कुछ इंप्रूवमेंट हो कुछ जबे क्रिएट हो जाए कुछ महंगाई पर काबू थोड़ा पा लिया जाए तो हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ना इनका अफजा है वैसे खासा कमजोर है वो उस अनफॉर्चुनेटली उस अपने हाफजे पर काबू पाते हुए यकीन फिर पास चलेंगे तो मेरे ख्याल में ये कुछ वही कुछ कोल लेकर जाने वाली बात है जिस वही कुछ कोल जिसके मतलब आ जाता था कि एक रुपया आधार जो लिया जाता है तो वो उसका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो सरवा तो वो चोर होता है ये तो मिलियन और बिलियन और बिलियन जो मांगे जा रहे हैं अभी पिछले महीने तो सऊदी वालों से लेके उन्होंने जमा कराए हैं कुछ पैसे वो खर्चे के लिए नहीं है लेकिन उन्होंने कहा ये दिखाने के लिए है सिक्योरिटी के तौर पर आप उन्होंने दिए हैं और एनी टाइम जो डिमांड करेंगे वापस मिल जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये जो है इनका दौरा जो करना चाहते हैं या ये ख्वाहिश रखते हैं हालांकि मेरे ख्याल में वो फोटो सेशन वगैरह भी होंगे तो वो भी आलात बेहतर होते हैं ना अगर चाइनी के साथ आप फोटो सेशन लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ जाए वापस इस्लामाबाद तो में तो लोगों के जहनों में फिर तासर तो जाता है कि आज दैस, दैसी आदमी है ये देखा ना ये काम कर दिया उसने ये बनवा लिया उनसे ये ले लिया उनसे तो उस तरह भी कुछ इनके इलेक्शन कंपेन में शायद हेल्प हो मुझे, मुझे असम उसमें उसका बैकग्राउंड ये है कि इमरान खान साहब ने एक आदमी को बीच में डाला है और उनको कहा गया कि देखें जी स्टैब्लिशमेंट को बोले कि मेरी उसी तरीके से मदद करें जैसे पहले किया करते थे मैं दूसरे उज्जी में मीनू इसका लेना छो थे इस मुश्किल वक्त से मैं जा रहा हूँ तो मेरी मदद करें और फिर ये भी है कि आपको पता है कि ये अगर जा रहे हैं चाइना में तो जो बड़े साहब हैं वो अमेरिका जा रहे हैं उसका मैं एक तरफ आप तो मुवजना कराता हूँ लेकिन इनका इमरान खान साहब का यानी मिडिल मैन के जरिए कहा कि आप उनको बोलें कि मेरी फुल सपोर्ट करें और अपोजिशन का साथ ना दें उनसे मुलाकातें ना करें और साथ ये भी है कि मैं तीन बिलियन लेकर आऊँगा और उसके साथ मुल्क के आलात ठीक हो जाएंगे और वगैरह वगैरह और साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की उनसे कहा कि देखिए ऐसा करें कि मैं जिन्होंने पंजाबी कह रहे हैं तुंध कर रखना चाहना अपोजीशन मैं फिर दोबारा अंदर करना चाहना तय इनको बोलें कि मुझे इजाजत दें कि मैं इनको अपोजिशन वालों को दोबारा अंदर डाल दून दूसरे जेल में, में डाल दूँ अच्छा तीसरी बात सात से आई है कि वो अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं फोटो सेशन का इन्होंने जिक्र किया है तो दफ्तर खारजा ने बड़ी कोशिश की है कि हमें वन ऑन वन मीटिंग हो जाए जो उनका प्रेसिडेंट है चाइना के उसके साथ उन्होंने इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी गुंजाइश नहीं है उनके पास टाइम नहीं है फिर उन्होंने कहा चाइना वालों ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो होता है ना ग्रुप फोटो होता है जिसमें सारे जो माँ आए उनके जो गेस्ट हैं उनके साथ ये फोटो सेशन होगा तो वो भी आप कर लें फिर इसमें गुंजाइश निकाली जा रही है कि इस तरीके से भाई अगर इमरान खान को ये मौका मिल जाए कि वो जो है ना चाइना के प्रेसिडेंट के साथ खड़े हो जाए तो इससे इसे इससे भी मेरे कोई नंबर बन जाएंगे तो मैं तो उसका भी उन्होंने सुना है कि कहा है कि हम फैसला करें कि कौन गेस्ट कौन सी लाइन में खड़ा होगा ठीक है जी तो ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया तो आप इसको भी डील कर लें और साथ ये बता दें कि जो बड़े साहब हैं वो जा रहे हैं अमेरिका में तो ये तो नहीं की बात भाई ये कोई एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जा रहे हैं भाई एक इधर जाएगा दूसरा उधर जाएगा एक दूसरे को तसली देंगे या कुछ ये भी खबरें हैं कि बड़े साहब तो जा रहे हैं उनको बताने के लिए कि भाई हम ये कुछ करने जा रहे हैं कोई ऐसी बात हो नहीं है आ, देखें डॉक्टर साहब बट साहब ने भी बड़ी तफसील से रोशनी डाली और आपने भी तो मैं तो साहब गोया एक तरह से ये कह रहे हैं कि चाइनीज खुद अपनी सिक्योरिटी करे अगर ये भट्ट साहब इंफॉर्मेशन बेस्ड बात रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि चाइनीज उसी तरह से आएंगे अपनी सिक्योरिटी खुद करने के लिए जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पाकिस्तान में सॉरी सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी जब जब यहां से इंग्लैंड से आ, सब कॉन्टिनेंट गई थी तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी खुद ले ली थी ग्रेजुअली आस्ता आस्ता करते हुए तो अगर साहब का इशारा कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज को अपनी सिक्योरिटी खुद करने के लिए उनको अपनी आर्मी उतारनी पड़ेगी और उस हिसाब से वो वो करेंगे तो ये किस्म का पाकिस्तान को पूरा ही बेचने वाला पर, पर इस बात पर पाकिस्तान राजी नहीं होगा मेरा अपना ख्याल अच्छा तो दूसरी बात जो आपने तीन बिलियन डॉलर की बात की तो अगर ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड बात है लेकिन चाइना क्यों देगा उसको तीन बिलियन डॉलर जबकि उसको उसको पता है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ मौजूदा गवर्नमेंट के मामला ठीक नहीं है एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट और जो कि इसकी दलील के लिए है कि एट द सेम टाइम जबकि इमरान खान चाइना में होगा तो बाजवा साहब अमरीका जा रहे हैं और सुनने में जो अफवाहें चल रही हैं पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क भी कि इमरान खान की छुट्टी कराई जा रही है फरवरी के आखिर तक तो क्या अगर ये अफवाहें ही हैं तो कहते हैं कि जहाँ पे धुआं उड़ता है तो वहां पे आग भी होती है तो अगर ये अफवाहें यहाँ तक हैं तो क्या चाइना में नहीं पहुंची होंगी तो के साथ खान के फिर मौजूदा हुआ मुतजल होना चाइनीज को क्या पड़ी है कि वो उसको तीन बिलियन डॉलर दें वो तो स्ट्रॉन्ग वॉर्गेन पोजिशन में है इस वक्त की हुकूमत कमजोर है और पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है आई एम एफ उसके ऊपर लगा रहा है स्टेट बैंक जो है तो गिरवी रख दिया गया है और अभी तक न तो आई की रिक्वायरमेंट पूरी हुई है न वहां से पैसा मिला है तो चाइना हमारा लाख दोस्त सही सगा भाई भी होता है तो वो नहीं डील करता है ऐसे मामला और फिर उनको क्या पढ़िए आज के दौर में तो आप देखें सऊदीया क्या करता है जो मुसलमान भाई है कि जब पैसे नहीं दे पाते तो वो पैसा वापस मंगा लेता चाइना से लेके इनको देना पड़ता है अभी तक वो पैसा का भी सवाल बाकी है तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई कामयाब दौरा करके लुटेगा इमरान खान या कुछ तीन बिलियन डॉलर लेकर आएगा या सी पैक को स्टार्ट करने की कोई चक्कर होगा तो ऐसे ऐसी कोई बात नहीं लगती और बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि अमेरिका में जो बातें होंगी ज़ाहिर बात है अमरीका जब बात करेगा तो किस बात पर बात करेगा उसका इंटरेस्ट किस में होगा उसका इंटरेस्ट इसमें होगा कि सी पैक कब वाइंड हो रहा है बी आर आई कब वाइंड हो रहा है तो क्या चाइना को इस चीज का नहीं पता कि वहां पे क्या बात होगी अमेरिका में और ये हमसे क्या बात करने आया है या कि अमेरिका को नहीं पता कि ये हमसे क्या बात करने आया है और चाइना में इमरान खान क्या बात करेगा तो ये ये अप, ये सारी बातें अपने खुद फरेबी है सेल्फ हम इसी में चल रहे हैं अभी तक जी रहे हैं ये बारगेन नहीं, नहीं होता आप, आप, आपको मैं एक बात इसको आप मजीद अगर चाइन तबसरा कर सकते हैं मसलन चाइनीज जो है ना वो पाकिस्तान पर इतमादनी कर रहे बहुत से मामला एक तो बात ये थी कि आ, जो ना जो कुछ जो माहे थे वो वो उन्होंने पहले एग्री था कि ये सहीगा राज में रहेंगे किसी को बताए नहीं जाएंगे वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान थे ये बताने बताए जाने वाले नहीं थे और जो आई एम एफ के प्रेशर में आकर इन्होंने वो माहे दिखा दिए यानी आई एम एफ को दिखा दिया कि वो माहे क्या हैं बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान और इस बात पर चाइना वाले बड़े नाराज हैं कि दिस वाज यानी खुफिया थे ये। अच्छा इस पर भी वो नाराज हैं दूसरी बात ये आती है कि जब वो दासू डैम में जो धमाका हुआ था बस का तो पाकिस्तान ने पहले खबर क्या लगाई थी लगाई थी कि बस टायर हो गया बस का और गई है और फिशली जो इन्होंने कम्युनिकेट किया था टू तो चाइना वो भी यही कहा था कि ये बात हुई है चाइना वालों ने फिर दोबारा चाइना वाले इतनी जल्दी नाराज नहीं करते उन्होंने कहा जी इस, आप इस पर गौर करें दोबारा तहकी करें कि यही कुछ हुआ या कि मामला कुछ हो रहे हैं इन्होंने फिर कहा जी नहीं नहीं बस ऐसे ही हुआ है उन्होंने कहा भाई ऐसा भी ऐसी बात नहीं है तो फिर ये जो गए ना उन्होंने कहा जी हमारी सेटेलाइट गुजारी जाए कि असल काय क्या है हमें हमें पता इसका फिर जो क्रेशी साहब शाह क्रेशी अहमद क्रैशी साहब गए शाह मुहमद क्रेशी, क्रेशी वज़ी खारजा इन्होंने जाकर जी कही जी नहीं नहीं जी हमें भी तक, ता, हमने तरक्की कराई है बाकी इसमें ना हुई है दहशतगर्दी हुई है लेकिन ये अमेरिका के, के कहने पर इंडिया ने कराई है उन्होंने अच्छा, कहा अच्छा यह आपको यकीन है उन्होंने तो कहा बिल्कुल हम यकीन है उन्होंने कहा ऐसा करे इस्लामा के इसलिए दे रहा हूँ हैप्पी नहीं है ना इस पर दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका बात की बात किया आपने अब सवाल यह है कि बाजवा साहब गए हैं उनकी मुलाकात किस किस से होगी वो क्या वो आप कुछ तो ये कहते हैं पाकिस्तानी कि वो इजाजत लेने गए कि

एतमाद का फकदान है एतमाद की कमी है दोनों के बीच में पाकिस्तान में पाकिस्तान में और चाइना में हो या ना हो कम अज कम इमरान रजीम के साथ इमरान की गवर्नमेंट के साथ चाइना के बहुत से ट्रस्ट है बहुत ज्यादा एतमाद की कमी है मतलब ट्रस्ट नहीं करते इमरान खान की गवर्नमेंट किसी लिहाज वो के चाइना ट्रस्ट करता है इस सेंस में कि फौज के ऊपर ही फौज के साथ ही वो मामला तय करता है लेकिन अगर हम इमरान खान को और नवाज शरीफ को कंपेयर करें तो वो जहां नवाज शरीफ को रखते हैं इमरान खान को वहां किसी जगह नहीं रखते तो और दूसरी बात यह है कि ऊपर भी होता है आपकी टीम के ऊपर भी होता है आपकी स्किल्स के ऊपर भी होता है जब एक शख्स का नॉलेज भी ना हो और उसके अंदर कोई एक्सपर्टी भी ना हो उसके साथ जो टीम हो वो भी हो आ, ऐसी हो और हुकूमत भी मुतजलसल हो और हुकूमत और इस्टेबलिशमेंट के दरम्यान इख्लाफात की खबरें भी आम गर्दिश कर रही हो अपोजिशन की भी यही सूरत हाल चल रही हो मुल्क में दहशत गर्दी की भी लहर आई हो और अपोजिशन के जो है तो आ, आ, क्या कहते हैं उसको लॉन्ग मार्चे भी चल रहे हो तो ऐसे में चाइना क्यों कर इंटरेस्टेड होगा गो के चाइना के लिए ये बहुत आ, वाइटल है कि वो उसको आ, जारी करे सी पैक को जैसे मैंने आपको पहले भी गुजारिश की थी कि सी पैक बी का एक प्रोजेक्ट है बी वो है जिससे पूरी दुनिया को मसला बना हुआ है कि चाइना पूरी दौरे के मतलब हूँ या सिक्योरिटी के मसाइल हूँ या जो कोई शाह महम्मद कुरेशी ने कहा वहां पर जाएगा वो हूँ एक बात मेरे उन पर भी आप तरफ करें और एक बात ये भी है कि जो इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं अगर मुझे निकाला गया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा इस पर एक पाकिस्तानी नगार ने कहा उन्होंने कहा जी नजर आता है कि ये पिछले दिनों ये मदर हुआ करते थे पंजाबी फिल्मों के पाकिस्तान पंजाबी फिल्मों के विलन तो उन्होंने कहा जी भाई शायद ये मदर शाह की फिल्में देखते रहे हैं तो उन्होंने कहा जी फिल्मों में मदर शाह को भी कभी कुछ नहीं मिला था ना इमरान खान को कुछ मिलेगा तो आप इस पर कोई तबरा करेंगे सबसे सबसे पहली बात तो जो है ना जो आपने की है कि भाई किसी भी सूरत में पाकिस्तान अलो नहीं करेगा के चाइनी अपनी सिक्योरिटी वहां से खुद लाए जी जी उसमें दो बातें पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि किसी से कुछ कह सके जो भाई ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते नहीं. इस वक्त उन्हें अपनी सर्वाइवल की पड़ी हुई है कि मुल्क को सर्वाइव कैसे किया जाए तो सिक्योरिटी को इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए तो अगर आपको याद होगा हमारा एक दौरा जो गलगित का था उसमें तो हमने कुछ चाइनीज फौजी भी देखे थे वहां पे बिल्कुल सही है आपको याद आ चुका ये रिफ्यूज कर रहे थे हमने बकाया उनके साथ गपशप करके फोटो भी बनवाए थे वो भी सिक्योरिटी पर्सनल थे उनके तो अगर उस वक्त हो सकते हैं तो आप अगर डिमांड करें आप तो पाकिस्तान इवन वर्स पोजिशन में है टू बार्गेन एनी थिंग तो कोई पॉसिबिलिटी है उनको लोग कहते ठीक है भाई अगर किसी ने मारने तो इनको इनकी अपनी सिक्योरिटी में मारे कम से हम पर इल्जाम तो नहीं लगेगा ना उसको इल्जाम से बचाने के लिए हो सकता है और दूसरी बात है ये कि तीन बिलियन डॉलर चाइना क्यों देगा मेरे प्रदर साहब मेरे भाई बात असल में ये है कि जब किसी इंसान ने किसी दूसरे को दिया हो कुछ उधार उसको ये महसूस किया जाएगा अगर ये गिर गया तो मेरा सारा डूब जाएगा तो उसे थोड़ा कड़ा रखने के लिए आश्रय दिए जाते हैं पाकिस्तान ने पता पिछले साल एक साल में कितना सूद की मद में वापस दिया है इंटरेस्ट छब्बीस बिलियन रुपीज एक साल में छब्बीस बिलियन रुपीज पाकिस्तान ने सूद के बाद में दिए हैं वो मेजोरिटी ये पैसा चाइना के पास गया है क्योंकि चाइना का सबसे ज्यादा उधार जो है पाकिस्तान पर वो चाइना की तरफ से है तो अगर वो अपने उधार की अपने सूद की सूरत में कुछ पैसे वसूल कर रहा है तो आपका ख्याल है पाकिस्तान को छोड़ दे ऐसे भाई कुछ जो जन्म में तो जन्म में जाने से क्या होगा चाइनी पहले जन्म में चले जाएंगे इसलिए एक, उनको तो एक पैसा भी तेरी पैसा उसको कहते हैं वो भी मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी तो इस तरह कम का कम कुछ न तो कुछ तो सूद असल को न सिर्फ सूद की सूरत कुछ न तो कुछ तो वापस आता रहेगा तो उसमें डेफिनेटली दे विल डू समथिंग तीन बिलियन दो बिलियन हो जाएंगे कुछ हो गए लेकिन

वो सिक्सटी परसेंट सॉरी फोर्टी परसेंट है फोर्टी परसेंट जो बीआरआई है उसका फोर्टी परसेंट जो है तो वो पार्ट मतलब वर्थ में नहीं कॉस्ट में नहीं वो उसकी 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 कीमत जो है तो फोर्टी परसेंट है टोटल प्रोजेक्ट का जो बीआरआई का है अब आते हैं इस दूसरी बात की तरफ वो जो आपने इस क्वेश्चन को पूछा चाइना तो बाय तो देखें जैसे भट्ट ने फरमाया और आप भी कहते हैं कि चाइना जो है तो पैसे अपने नहीं छोड़ेगा चाइना वसूल करेगा और सूद समेत वसूल करेगा ये बात अपनी जगह ठीक है और चाइना जो है तो अः हर सूरत में इसको जारी रखने में लेकिन वो अपनी शराय में लेकिन छोड़ तो नहीं सकता ये बात तो अपनी जगह पक्की है कि पाकिस्तान ने अगर तीन बिलियन मांगे तो तीन नहीं तो कुछ ना कुछ तो शायद मिल भी जाएगा और चाइना उसको प्रोजेक्ट को किसी सूरत में बंद तो नहीं कर सकता जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया कि टोटल बी आर आई का फोर्टी परसेंट है आधा बी आर आई उसका वो वो इंपौर्ट जी। हाँ, जी, जी। तो दूसरे इमरान खान साहब को वो खाली हाथ नहीं कि ये हो सकता है कि कुछ शराय जो है मजीद लगा दें जी जी और लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बात की ना कर्जे की तो आप देखें जो आई एम एफ का भी जो किस्त आएगी उसमें बहुत सारा पोर्शन सेवेंटी परसेंट से ज्यादा वो तो सूद में जाएगा खुद आईएमएफ के सूद में जाएगा चाइनीज सूद में जाएगा जो प्रोडक्टिव काम में लगेगा वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है ये तो सिर्फ सूद को कवर करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है सूद पे करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है और जो चाइना से भी आएगा जितना भी आएगा उसमें ज्यादातर सूद में ही जाएगा खुद चाइना को भी जाएगा कुछ थोड़ा बहुत जो जैसे साहब ने फरमाया लेकिन मुझे नहीं लगता पहले तो पी पीटीआई सर्वाइव कर जाएगी इलेक्शन मतलब अभी तो ये अपना टर्म भी शायद ना पूरा कर पाए और अगर टर्म किसी तरीके पूरा कर भी लिया तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्यों कि अगर ये जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर फॉरन फंडिंग के जो फ्रॉड खुल रहे हैं तो उसके बाद तो पीटीआई में इमरान खान की जात के ऊपर बहुत से क्वेश्चन और वो खुद वो इमरान खान नाहल हो सकता है अगर इमरान नायल हो जाता है पीटीआई में पीछे फिर पीछे क्या बचता है अब फिर पी खत्म हो जाएगी अच्छा बट साहब ये बची थे कि जनरल बाजवा साहब का जिक्र आया एक दो बार और आपने उस पर तबसरा नहीं किया वो ये जो प्राचा साहब कह रहे थे कि शायद वो वहाँ पर बातचीत करेंगे इसको मुद्द को फारू करने के बारे में या कुछ और इस तरह की बातचीत होगी तो आपके नज़दीक उनका एजेंडा क्या है एट द सेम टाइम दो बड़े जो हैं पाकिस्तान के वो चले गए हैं तो आप, आप उसको कैसे देखते हैं मैं मेरी अपनी जो सोच है उसके मुताबिक दोनों का मसला जो है ना वो सी पैक का ही है वो तो अमेरिका की तरफ गए वहां भी कुछ सी पैक पर ही बात होगी वो कैसे बात करते हैं क्या नहीं करते ये तो खुदा जाने देखो जो चाइना की तरफ वहां भी सी पैक के होगी अब दोनों तो क्योंकि एक बात सर इम्पोर्टेंट है कि चाइन का जो है एतमाद वो पर बहुत कमजोर है इस वक्त क्योंकि इमरान खान ने आते ही डे वन से सिर्फ नवाज शरीफ की दुश्मनी में सी पे को स्लो कर दिया था बहुत ही स्लो कर दिया था विदिन वीक्स एक्चुअली इतना स्लो डाउन कर दिया था ना कि उसमें के मरहार में होना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ था तो अब चाइनी इस पर कैसे इतमार करेंगे हो सकता है कोई यही वो मेहनत से करने जा रहे हैं यार आप मैं जो है ना अच्छा बच्चा बनूंगा

बड़े बूटों की आवाज भी आ सकती है कुछ भी हो सकता है इसमें नहीं, बड़े की आवाज ना भी आए तो लेकिन इसको जो काका कहते हैं काका जो है उसको फार करते हैं अच्छा प्राची साहब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, क्विकली मुझे तो ये बताएं, ये बताएं कि बातें हमने की है इस कुछ जो सी पैक के जनरल हुआ करते थे पिज्जा वाले जनरल जिसको कहते हैं तो उनका क्या रोल है इस सारे सिनेरियो में क्या वो भी किसी जगह फिट होते हैं या वो भी चाइना में जाएंगे या क्या होगा डॉक्टर साहब जैसे कि वो अभी हैं और चाइना तो मुझे शोर नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे लेकिन वो मसला तो उन्होंने उठाना है और उसको हल करना है क्योंकि अगर वो मसला नहीं हल होगा तो ये तो बात आगे नहीं चलेगी तो, चले तो, तो सीपी के वही है ना जी 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 तो मतलब है कि अगर वो नहीं जाएंगे ना ये नहीं, इस उस, उस, उस मसले को अगर सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा जाए नहीं, नहीं किया जाएगा तो शायद इसमें तो नहीं होगी इस ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और का बहुत सा है कि इसको जाना चाहिए इस करप्शन के मैटर को अच्छा क्विकली कर, ये करप्शन का बार जिक्र आ रहा है क्या आप, ये आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट वो कहते हैं कि जहां तक करप्शन में फंसी हुई है